हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पर इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि द हिंदू को कैसा पढ़ा जाए, हाउ टू रीड द हिंदू। और आज का जो टॉपिक है, मैं इसमें बताऊंगा कि द हिंदू को कैसे पढ़ना है। ये 16 जून का पेपर है, यहाँ मैंने मेंशन किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आज मैं ये पेपर लेके आपको बताऊंगा कि द हिंदू को पढ़ना कैसे है फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्योंकि यूपीएससी में आपके बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया और बाकी के जो मसाला टाइप की न्यूज़ होती है, यू डोंट हैव टू रीड एट ऑल, ओके। तो मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पेजेस हैं इसमें। और हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाया इसका, लेकिन आज एक बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर द हिंदू को कैसे पढ़ा जाए और यूपीएससी में कैसे इसका यूज़ किया जाए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आज का पेपर मैं बता दूँ, 16 जून का है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता दूं कि पॉलिटी के नोट्स जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं पॉलिटी के, अगर किसी को चाहिए तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने नंबर दे दूंगा, वहाँ पे व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल आ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है यहाँ पे दिल्ली राइट्स के ऊपर है, जिसमें 3 स्टूडेंट्स को JNU वाले हैं और जो इनका जामिया के स्टूडेंट्स हैं उनको बेल मिली है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यूपा। आप यहाँ देख रहे होंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूपा। तो ये UAPA, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग GS2, ठीक है। तो आपका GS2 के लिए, आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए देता हूँ, ये जो यूपा है यहाँ पे, ये आपका GS2 के लिए, ओके, ठीक है। तो GS2 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यूपा पढ़ना है। प्रीलिम्स में तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन हाँ अगर आप GS2 में किसी क्वेश्चन या एंटी टेररिज्म जो एक्ट है उसके तहत उसका मिसयूज़ हो रहा है कि नहीं। और देखिए यहाँ पे इवन जो हाई कोर्ट है उसने बोला भी है कि हाई कोर्ट स्लैम्स द पुलिस फॉर कैजुअली इन्वोकिंग एंटी टेरर लॉ, मतलब कि एंटी टेरर लॉ है यूपा, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, यूपा है क्या, कहाँ से बना है, तो इसको सर्च मनी आप गूगल में जाके, गूगल मारिए या कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका एक नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है, इसका एक नोट्स बना लीजिए। और किस सेक्शन में आप डालेंगे इसको, GS2 में डालेंगे, सिक्योरिटी वाले इश्यूज में, ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। बस इस टॉपिक में आपको यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक देखिए, बगल में एक टॉपिक आया हुआ है, AI1.NOT वेरियंट अ कंसर्न येट। मतलब कि देखिए, आपको पता है कि कोविड के बहुत सारे वेरिएंट आ रहे हैं, राइट। तो डेल्टा जैसे वेरिएंट है यहाँ पे, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा डेल्टा वेरिएंट क्या होता है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डेल्टा वेरिएंट किससे रिलेटेड है, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। अच्छा, डेल्टा वेरिएंट किससे आया है, मतलब यहाँ पूछा गया ना, यहाँ देखिए बताया गया कि 63 जीनोम्स ऑफ AI1 और B.1.617, ये एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जो कि पहले देखा गया था साउथ अफ्रीका में, देखिए यहाँ पे लिखा होगा। इस न्यूज़ को आपको पढ़ना है डिटेल में, ये करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में ही आ सकता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है GIS-8। ये क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ, GIS-8, ये क्या था, आपको पता होगा अगर आप जो पेपर फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, 2008 में बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था ये GIS-8। ये इसलिए बनाया ताकि जो दुनिया भर के जो जीनोम है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, उनका एक जीनोम, एक डाटा कलेक्ट किया जाए हर एक कंट्री से। तो UK बेस्ड में है ये, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, ये हो सकता है UPSC मेंस में पूछ ले, बट ये सब जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी पेज में एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लायंस ऑफिसर। अभी ट्विटर देखिए, आपको पता होगा कि ट्विटर और सरकार के बीच में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो ट्विटर ने बोला था कि हम जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पे लेकिन IT रूल बनाया गया, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल आया नया 2021, IT रूल है 2021। तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट, उसी में बोला गया कि कंप्लायंस ऑफिसर को आपको बनाना है, ठीक है। तो ये किस, ये IT रूल 2021 है, वो कहाँ से मिलता है हमको, वो IT Act 2002। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, IT Act 2000 का सेक्शन 87 एक्ट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कभी भी आपको जो पढ़ना है वो बैकएंड में देखना है, ठीक है।
ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जो यूपीएससी का सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, ये टॉपिक कहाँ फिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लायंस ऑफिसर उसी से रिलेटेड, तो आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, आईटी जो रूल्स है नेवा वाला 2021 वाला, ठीक है, आईटी रूल्स, ओके, ये आप देख लीजिएगा आईटी रूल 2021 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी सीजीआई ने बोला है क्योंकि ये हैदराबाद का, मैं बता दूँ हैदराबाद का वर्जन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीआई प्रपोजल ग्लोबल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन होता है क्या, वर्ड क्या, गूगल मारी आपको समझ में आएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस पेज में कुछ नहीं है, दूसरे पेज में है हैदराबाद की लोकल न्यूज़ है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है 1.5 घंटे के अंदर, ओके। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पे थर्ड, ये लोकल पेपर ही है, लोकल पेज है, तो यहाँ मनरेगा के बारे में दिया हुआ है, MGNRS के बारे में दिया है, तो क्या बोला जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ड्रास्टिक ड्रॉप देखा गया है MGNRS में, ठीक। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पुअर में, ये आप ऐसे में डाल सकते हैं, ऐसे हो गया, इवन GS1 हो गया, आप एथिक्स में भी डाल सकते हैं, अगर इसके ऊपर आता है आपका कोरोना के ऊपर आता है कि उससे कई सारे लोग बेघर हो गए, कई सारे लोगों की जॉब चली गई, तो वहाँ पे ये चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अब ये भी एक है तेलंगाना की न्यूज़ है, तो हम इसको आगे स्किप कर सकते हैं, अगर आप लोकल हैं तो आपके लिए इंटरव्यू में बहुत, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम होगा, तो इंटरव्यू पैनल हो सकता है आपको पूछ ले कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके स्टेट में क्या चल रहा है, तो वहाँ से पूछते, इसलिए आप जो लोकल जैसे जो दिल्ली के हैं वो दिल्ली पढ़ लें, हैदराबाद के हैदराबाद वाला पढ़ लें, चेन्नई के वहाँ का लोकल न्यूज़ पढ़ लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये साउथ का पेज है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडिटोरियल, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ एडिटोरियल को क्या करिए, आप पहले आप कोई एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है, उस एडिटोरियल का आपको समरी बनाना है, ठीक है, समरी बना, कैसे समरी बनाएंगे, समरी बना जैसे आप ध्यान देंगे, कभी जो एडिटोरियल लिखा जाता है जो द हिंदू में लिखते हैं वो शुरुआत में इंट्रोडक्शन देते हैं, ये देखिए पार्ट इंट्रोडक्शन है, मैं आपको सर्किल मान लूँ, ये पार्ट जो है इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो है इनका पूरा पूरा मेन बॉडी है, ये पूरा पूरा मेन बॉडी है, ठीक है। इसी तरह हम लोग आंसर लेते हैं, ये पूरा जो इनका कंक्लूजन है, तो यूपीएससी भी इसीलिए ऐसे ही देखता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, तो ये लोग इतना अच्छा आंसर लिखते हैं, अगर आप GS के मिला के अपना इस तरह आंसर मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ये टॉपिक है अमेरिकाज मिस्टेक इन फॉरएवर वॉर, कि अमेरिका, ये देखिए एक शुरुआत में, जैसे मैं तो, मेरी तो आदत हो गई पढ़ने, तो मुझे पता है कि इसमें क्या, इस आर्टिकल में क्या बोला गया हो, कि अमेरिका 2000 में आया अफगानिस्तान में, उसने बोला था कि भाई हम लोग टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, बट वो ख़त्म होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब वो बीच में ही छोड़ के जा रहा है अफगान को, तो इवन September 11 डेडलाइन दिया है जो बिडन ने कि भैया हमको वहाँ से हटना है, तो अब अफगानिस्तान को होगा क्या, अब क्या तालिबान, क्या यहाँ इस आर्टिकल में बोला गया कि तालिबान क्या फिर से अटैक करते, तो ये GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक टॉपिक जैसे यहाँ पे हिस्ट्री बताया उन्होंने, तो अगर कोई ऐसे भी आता है तो आपको ऐसे ही शुरुआत करना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा फैक्ट्स हिस्टोरिकल, फिर मेन बॉडी अच्छा सा पॉइंट वाइज, एंड देन आपको कंक्लूजन लिखना है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, GS2 में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए आर्टिकल है द इनविजिबल टैक्स, मतलब कि लोगों का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों के फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको WPI पता होना चाहिए, होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है और CPI क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, तो आप सीधे सीधे जाइए गूगल में सर्च मारिए WPI वर्सेस CPI होता क्या, आपको समझ में आ जाए, तो ये आर्टिकल आपको आसानी से समझ में आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक आर्टिकल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं, ये GS2 में, ये भी आर्टिकल GS2 में आ जाएगा अगर आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं तो, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे देखिए जो मैं बाहर आपको टॉपिक दिखाया था शुरुआत में कि GIS-8 है क्या, यहाँ पर बताया गया है, ये लेबोरेटरी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस का, पूरे जितने भी देश हैं सब लोग अपने डाटा भेजते हैं इनको, ठीक है, और इसमें से कोरोना वायरस के कौन कौन से वेरियंट है, तो ये सब चीज़ें फैक्ट्स जो है ना वो प्रीलिम्स में बहुत आते हैं, तो फैक्ट्स आप प्रीलिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह आपको पढ़ना है, तो ये किसका GS3 का टॉपिक हो जाएगा, राइट, क्योंकि साइंस एंड टेक
टेक इसमें है, जीएस थ्री है, साइंस एंड टेक जीएस थ्री में है। तो जीएस थ्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत ऐसे को यूपीएससी पूछ सकते हैं कि बहुत सारे वेरिएंट आ रहे हैं, तो हमको इंडिया जो है कैसे बच सकती है इन वेरिएंट से, हमको क्या क्या सोल्यूशन चाहिए उसके। तो ये मेंस में आंसर बहुत अच्छा है, तो इसलिए कहते हैं कि आर्टिकल को बहुत अच्छा पढ़ना है, एडिटोरियल को, क्योंकि मेंस में काफ़ी काम आता है, राइट। यहाँ देखिए इसके बाद नेक्स्ट पेज का जो ये ओपेड पेज है, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये बेसिक कभी कभी पूछ लेता है, और ये किसका पार्ट हो जाएगा, जीएस थ्री का पार्ट हो जाएगा, इवन जीएस टू का ज़्यादा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत जाएंगे गूगल में सर्च मारिए क्या वो पोलिटिकल पार्टी इसके लिए सही है कि गलत है, क्या हमारे इलेक्शन के लिए सही है कि नहीं है, यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी उसके लिए ठीक है नहीं, क्योंकि अभी इसको चेंज किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड में, इवन वो भी बोल दिया गया कि जो फॉरन पहले थे, यहाँ इस आर्टिकल में बताया गया कि पहले जो फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, उसमें बोला गया था बाहर से अगर कोई पैसा भेज रहा है तो वो पॉलिटिकली यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको भी हटा दिए, क्या वो गलत है कि सही है। तो यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट हैं, ADR जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमेशा PIL फाइल करता है उसके बारे में आप रेफरेंस डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये मेन बॉडी है और ये कंक्लूजन है, देखिए कितना बढ़िया लिखते हैं लोग, इवन इलेक्शन कमीशन ने भी अपोज किया था इलेक्टोरल बॉन्ड को, ठीक है। तो आप इस तरह का आर्टिकल पढ़ सकते हैं, तो जीएस टू में जाएगा ये आर्टिकल, क्वेश्चन इसी से ही बनेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आत्मनिर्भर वैक्सीनेशन के बारे में ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, जीएस थ्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आया है आर्टिकल, ये बिटकॉइन के ऊपर आर्टिकल है, कि देखिए RBI ने तो बोल दिया था कि हम इसको इलीगल मानते हैं, हमारे पास कोई अभी लॉ नहीं है, लेकिन इसके लिए एक ड्राफ्ट बिल लाया गया है, और यहाँ बताया कि एल सेल्वाडोर पहला जो कंट्री है जो हम ये यूज़ कर रहा है क्रिप्टो करेंसी एज ए लीगल करेंसी। इंडिया में क्या क्या इसके परस्पेक्टिव है, इंडिया में क्या क्या अभी लागू है नियम, इंडिया में बता दूँ कि अभी 2020 में जब RBI ने 2018 में बैन किया था, 2020 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैन को हटा दिया, बोला आपके पास लॉ नहीं है, पहले आप कानून बनाइए तब इसको रेगुलेट करिए। तो इसके बारे में क्या इंडिया के लिए सही है, क्या RBI को क्या एकदम ही ख़राब है क्रिप्टो करेंसी, आपको बता दूँ क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस थ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए, ओके। एक डाटा है, अगर आप देखना है देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू पढ़ना है, हिंदू को मजे लेकर नहीं पढ़ना, ठीक है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या आ सकता है, और ट्रस्ट मी एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप देखेंगे जीएस टू जीएस थ्री में, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर में ही आपको मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं उसने दिया होगा, लेकिन बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है आप कहाँ से कोई चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि इसको कहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये क्यों आया, आप क्वेश्चनिंग करिए, रीजनिंग करिए आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए न्यूज़ है कि SC एजेंट डेवलप वेस्ट बंगाल राइट शेयरिंग, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन, ग्लोबल आर्बिट्रेशन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरत है, इस पर क्वेश्चन आता है, ये GS2 का पॉइंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, GS2 के लिए। तो आर्बिट्रेशन क्यों जरूरी है वो सब आप देखिए, जैसे ये पॉलिटिकल न्यूज है ये सब नहीं देखना है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्रंट पेज का ही आगे एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा द हिंदू ने एक सुसाइड का क्या कहते हैं सुसाइड रिस्पॉन्सिबल सुसाइड रिपोर्टिंग यहाँ पे है, क्या है द हिंदू का, आप इसको देख सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। अच्छा ये ऐसे पॉलिटिकल है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाउस स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT समर्स ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव, ये आप देख सकते हैं क्योंकि अभी IT रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ओके, और इसको नहीं पढ़ना है, ये आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट हैं उनके यहाँ वैक्सीन उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, उनके जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया कि वैक्सीन से भी डेथ हो रही है, इसके बारे में यहाँ है, तो उसके भी इफेक्ट्स क्या क्या हैं, आफ्टर वैक्सीनेशन क्यों डेथ हो रही है, गवर्नमेंट ने इसको आज एक्सेप्ट किया, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका पॉइंट हो जाएगा, GS3 का हो जाएगा, ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल पेज में, तो इंटरनेशनल पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रंप रैली के ऊपर है, इसको भी आप देखना अगर देखना चाहे देख रहे हैं, लेकिन इसको नहीं। हाँ यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं कि ताइवान और चाइना में क्यों लड़ाई है,
और इंडिया मानता है ताइवान को, नहीं मानता इंडिया चाइना को, वन चाइना को मानता पॉलिसी मानता है नहीं मानता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या करिए, गूगल में जाइए, ये सर्च मारिए इंडिया ताइवान रिलेशनशिप, आपको हज़ारों आर्टिकल मिल जाएंगे, हज़ारों आर्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, क्रेमलिन है क्या, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसराइल और जेरूसलम और पैलेस्टीन में क्या चल रहा है आपको पता ही होना चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या क्या चल रहा है। ठीक है, आज वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वर्ल्ड पेज में। ठीक है, अब बिजनेस को द हिंदू में या आपको बता दूँ जो GS3 का पेपर है, GS3 मतलब कि इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है वो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड में होता है, राइट। तो आपको द हिंदू पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस किसी कोचिंग का एक मटेरियल पढ़ लीजिए, राइट। तो जैसे यहाँ इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया, मैं बता रहा हूँ कि WPI CPI आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और यहाँ पे भी जो जो कंपनीज़ के बारे में, जैसे ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ये सब भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक, इतना कुछ पढ़ने के, ये सब नहीं, जो कंपनीज़ के बारे में सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये सिर्फ देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आपको पता है वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ में है, पॉलिटिकल भी बहुत हाई पे इसका, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि क्या 150 रुपये भारत बायोटेक ने बोला है कि नहीं हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी जिनका स्पोर्ट्स जो पढ़ सकते हैं आप, जिनका आप फेवरेट स्पोर्ट है, राइट, जो आपको लगता है कि हमारा फेवरेट स्पोर्ट है, जैसे किसी का क्रिकेट होगा, किसी का बैट बॉल होगा, किसी का टेनिस होगा, किसी का ठीक है कैरम होगा, जो भी है आपका, वो आप उसका न्यूज़ आप रिलेटेड पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू में बहुत काम आता है, इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं आपके जो हॉबी है उसके बारे में। ठीक है, ये देख लीजिए, अगर पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, जैसे किसी का फुटबॉल होगा फुटबॉल देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का न्यूज़ में इतना ही था, और आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना पेपर। देखिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा आपको मोस्ट ऑफ द पेपर टाइम ये आप ध्यान रखिए कि जो आपको फोकस करना है एडिटोरियल्स में। ठीक है, जो एडिटोरियल्स है आपको उसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, रैदर देन पूरे पेपर में। फ्रंट पेज पढ़िए, आपको फ्रंट पेज पढ़ना है, राइट। फ्रंट पेज के पढ़ने के बाद आप सीधे आ सकते हैं एडिटोरियल में, अगर आपका जहाँ का लोकल न्यूज़ है, जैसे हैदराबाद है, दिल्ली है, वहाँ का पेज में अगर कोई आपको लगता है GS पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है यार आंसर बन सकता, उसको पढ़ लीजिए। एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप वर्ल्ड कप पढ़ लीजिए, वर्ल्ड कप पढ़ने के बाद आफ्टर वर्ल्ड यू हैव टू रीड द हिंदू बिजनेस पेज पढ़िए, उसके बाद आप स्पोर्ट्स का पेज पढ़ सकते हैं, लेकिन एडिटोरियल इज़ मस्ट। ठीक है, इसको आपको करना ही करना है, वो भी आपको आंसर राइटिंग के साथ करना है, राइट। अगर जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसी का समरी आप मेमोराइज करिए, फिर उसके बाद उसको एज ए आर्टिकल, ट्रस्ट मी, आपका GS अगर एक साल आपने पढ़ा है तो आपका GS इतना स्ट्रांग हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द हिंदू। ओके, तो आज का बस इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, और एक बार और अगर किसी को पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए UPSC के लिए, तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मेल ID दे दी है, वहाँ से आप मेल कर सकते हैं या तो WhatsApp करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पढ़ेंडे UPSC, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।